ये देख सकते हैं कि सनद इस्लाम भी मौजूद है, सनद इस्लाम और अपना उसके अलावा फ्री विल मौजूद है। सब कानूनी कवायद तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारी इनके जो है आपके तवसल से ये दरख्वास्त है, इनके वालदेन अगर सुन रहे हों तो वो भी, और या जो और शेर पसंद अनासर जो हैं उनके लिए एक दरख्वास्त है कि वालदेन को क्या मैसेज देना चाहेंगी कंज्यूमर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से? मैं यही कहना चाहूँगी, मैंने जो किया है अपनी मर्जी से किया है, अब वो मेरे खिलाफ कोई भी दरख्वास्त कहीं पर भी नहीं लगवाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, हम लोग यहाँ सिटी कोर्ट में मौजूद है और हमारे साथ एक वकील साहब यहाँ पर मौजूद है, अब्दुल खालिक साहब। आइए इनसे बात करते हैं, और एक जोड़ा भी यहाँ पर खड़ा हुआ है, और ये क्या केस है और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या है इस वक्त ये जोड़ा भी हमें नज़र आ रहा है, और इस वक्त क्या है केस? जी जी, ये जोड़ा, ये लड़की नॉन मुस्लिम क्रिश्चियन है और इसने इस्लाम कबूल किया अपनी रजा खुशी से। 18 साल लड़की है, इसकी सनद इशू की है जामिया जो है जामिया बनूरे ने इसी सनद इशू की है इस्लाम मुस्लिमों ने की। उसके बाद ये यहाँ कोर्ट में आए हैं, इन्होंने मंजूर अली के साथ जो है वो निकाह किया है शरई तौर पे। 18 साल इसकी एज मेच्योर है, इस हिसाब से फिर इनका हमने निकाह भी करवाया है। और मज़ीद इनका ये प्रोटेक्शन के लिए आई हैं ताकि इनके वालदेन जो हैं वो मज़ीद इनको किसी किस्म की तकलीफ़ ना पहुँचाए, यानी कि कोई भाग दौड़। वालदेन वगैरह नहीं है साथ? वालदेन साथ में नहीं है, 18 साल लड़की है, इसने अपनी रजा खुशी से इस्लाम कबूल किया है। और हम मुबारकबाद देते हैं तमाम टीम को और मंजूर अली साहब को और इस लड़की को जो इन्होंने इस्लाम कबूल किया है और दायरा इस्लाम में आ गई हैं, कलमा पढ़ा है। और मज़ीद आप इनसे भी जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं। कैसा लग रहा है इस्लाम में आ गई? बहुत अच्छा लग रहा है। कल तक क्या सोचती थी, कोई जहन बनाया हुआ था? जी नहीं, वैसे तो कुछ नहीं था सोचा, पर जब से मंजूर से मिली हूँ अब सब कुछ सोच कर रखा हुआ। तो पहली मुलाकात कब हुई, कैसे जहन बन गया कि मैंने इस्लाम कबूल करना है माशाल्लाह? जब मंजूर को देखा था। सही से मौलेदारी था, एक मोहल्ले में रहते थे, उधर मेरे से इसका वो हुआ है। उसके बाद इसने इस्लाम कबूल करने का भी गुजारिश की है। उसके बाद इसने ये भी एप्लीकेशन दी है कि मेरे घर वाले कोई नोटिस नहीं उठाएं मेरे खिलाफ़। क्योंकि वालों से कोई रब्ता हुआ? नहीं। उनको पता है कि आपका निकाह हो? नहीं, उनको पता नहीं है, लेकिन अभी पता चल जाएगा। पता चल जी, इस्लाम कबूल कर लिया है माशाल्लाह, तो बहुत ही प्यारी बात है, खुशाइन बात है। और ये देखिए, ये यहाँ पर निकाह नामा यहाँ पर मौजूद है, और ये आप मेरा कैमरामैन यहाँ पर दिखा सकते हैं, यहाँ पर कि ये देख सकते हैं कि सनद इस्लाम भी मौजूद है, सनद इस्लाम और अपना उसके अलावा फ्री विल मौजूद है। सब कानूनी कवायद तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारी इनके जो है आपके तवसल से ये दरख्वास्त है, इनके वालदेन अगर सुन रहे हों तो वो भी, और या जो और शेर पसंद अनासर जो हैं उनके लिए एक दरख्वास्त है कि वालदेन को क्या मैसेज देना चाहेंगी कंज्यूमर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से? मैं यही कहना चाहूँगी, मैंने जो किया है अपनी मर्जी से किया है, अब वो मेरे खिलाफ कोई भी दरख्वास्त कहीं पर भी नहीं लगवाएं। बल्कि उनको भी कहे कि वो दावत इस्लाम कबूल फरमाए, मतलब ये राय हक का रास्ता है। अपने वालदैन को भी कहें कि वो सारी दायरा इस्लाम में आ जाएं तो बेहतर है, आखिर हमारी सबकी समझ जाएगी। कोशिश करेंगे, जितना हम कर सकते हैं कोशिश करेंगे कि इस्लाम की रिहाइश कहाँ पर? हमारी रिहाइश मंगोपीर। मंगोपीर जी, दोनों एक ही इलाके की? जी एक ही इलाके के। एक इलाके जी। घर जाएंगे तो क्या सोचा हुआ है कि हमने घर वहाँ पर जाना है इनके घर पे, या फ़ोन करके बता? ये तो अभी उनके पास पहले निकाह नामा भेजेंगे, उसके बाद जाएंगे, क्योंकि ऐसे हम नहीं जा सकते, क्योंकि कोई हरकत कर सकते हैं वो लोग, इसीलिए हमने पहले रिक्वेस्ट की है कि हमने लड़की ने अपने दिल से वो इस्लाम कबूल किया। दो दो खुशखबरियाँ हैं, एक तो निकाह हुआ है फिर ऊपर से इस्लाम कबूल जी। कितनी खुशी है? मुझे तो बहुत खुशी है, मुझे बहुत खुशी है क्योंकि इसने इस्लाम भी कबूल किया, दूसरा मेरे से शादी की है और निकाह की है। खान साहब, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम ऑडियंस देख रही है, न्यू जनरेशन देख रही है, उनके लिए क्या बोले? देखिए, ये इनका अपना ज़ाती राइट है, हम मुस्लिम हुई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुबारकबाद देते हैं देखने वालों को भी, सुनने वालों को भी, और मौजूद अपना इस बच्ची को भी मुबारकबाद देते हैं। इसको अपनी बेटी बहन की तरह ट्रीट किया है और इनका शरई निकाह भी हो गया है, इस्लाम में दायरा में दाखिल हो चुके हैं, और हम इनसे अच्छी उम्मीद रखते हैं मज़ीद तरबियत के हवाले से भी। और इनसे भी दरख्वास्त करते हैं लड़के से भी, जो ये अब दायरा इस्लाम में आई है, इनका खास ख्याल रखें और इनको कोई किसी किस्म की तकलीफ़ और दुश्वारी नहीं होने दें। थैंक यू सो मच।